तो अभी आपको मोहब्बत के ख्वाब दिखाए गए, है ना? यह था छोटा भाई मेरा अलेश, जिसने आपको मोहब्बत के ख्वाब दिखाए। शुभम जी आई, इन्होंने आपको मोहब्बत के ख्वाब दिखाए। मुझे 10 मिनट दे दो, मैं आपको मोहब्बत की हकीकत बता देता हूँ। चार पंक्तियाँ सुन लो, बुजुर्गों की नसीहतें। शुरू करना, फिर मैं एक गीत आपको सुना के जाऊंगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा। बहुत ताली बज रही थी अभी मोहब्बत के पीछे युवाओं की, अब सुनना। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, प्यार करो धरती से और आजाद बनो अशफाक बनो। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। बहुत बहुत आभार आपका। चार पंक्ति और निवेदन कर देता हूँ। हाँ, चार पंक्ति निवेदन करता हूँ। मेरा मन यह है कि आप अपने साथ भी कुछ लेके जाएं। एक आदरणीय आगे की पंक्ति में मेरे यहाँ बुजुर्ग उपस्थिति रखते हैं। एक परिवार की परिभाषा बताता हूँ, सुनिए। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक वो जो प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो प्रेमिका के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं। मैं उनमें से हूँ जो माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चार पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, इस उम्मीद पर कि आप भी मेरी तरह सुनेगा। दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, दे दूंगा दिल से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। बहुत बहुत आभार। एक गजल के लिए मुझे आदेश दिया है सौरभकांत भैया ने। 2 मिनट मेरे हो गए, 8 मिनट और शेष हैं, सुनिएगा। एक गजल के लिए मुझे आदेश है सौरभकांत भैया को, आपको सुना देता हूँ, ठीक है? इजाजत है तो एक बार ताली बजा के बताओ, बहुत जोर से कम पड़ता है ना, ठीक है? क्योंकि 10 मिनट ही आप मुझे सुन पाएंगे, इसमें मेरा कोई नुकसान थोड़ना है, मेरा तो लिफाफा फिक्स है ना। आप मेहनत करके आए, थोड़ा सुन लीजिएगा। देखिए जी, मोहब्बत के रास्ते में चलते चलते सामने अगर कोई दीवार आ जाए तो उस दीवार पर अपना सर मारने से अच्छा है कि वहां से मोड़ ले लिया जाए। उस मोड़ के बाद 4 रास्ते और खुल जाते हैं, उन 4 रास्तों में से कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए, उस दीवार पर अपना सर मारकर अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए, है ना जी? देखो जी, मैं मानता हूँ लोग कहते हैं कि प्रेम सिर्फ एक बार करना चाहिए, मैं भी मानता हूँ कि प्रेम एक ही बार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए शर्त होती है सर। अगर प्रेम में दोनों वफादार हैं तो प्रेम एक ही बार करना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक बेवफा है तो प्रेम दूसरी बार भी किया जा सकता है, तीसरी बार भी किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम तो मोहन है, मेरा तो मानना है कि प्रेम 16108 बार किया जा सकता है ना जी। आप सुनिएगा, एक एक गजल का मतलब कुछ नहीं बदन करता, सुनिए। पढ़ दूं भाई, पढ़ दूं, सुनिए।
फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे, वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुजदिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुजदिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुजदिल न थे और न होंगे। हमको बख्शी है जो उस खुदा ने, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। हमको बख्शी है जो उस खुदा ने, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। एक तरफा मोहब्बत में यारों, फायदा क्या है बर्बाद होकर। एक तरफा मोहब्बत में यारों, फायदा क्या है बर्बाद होकर। एक तरफा मोहब्बत में यारों, फायदा क्या है बर्बाद होकर। जो मोहब्बत करे सिर्फ हमसे, हम उसी से मोहब्बत करेंगे। जो मोहब्बत करे सिर्फ हमसे, हम उसी से मोहब्बत करेंगे। शुक्रिया बेवफाई का तेरी। देखो जी, कभी ना कोई बेवफा हो जाए तो उसे गाली वाली मत दो, शुक्रिया कहो। अब देखिएगा, शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। एक इस गजल का आखिरी शेर, उसके बाद आपको गीत सुनाता हूँ, फिर अपना स्थान लेता हूँ, सुनेगा। हाँ, मैं असल में कहना बहुत ज़्यादा भीड़ में पढ़ने के आदी हैं हम लोग, तो थोड़ा सा, लेकिन ये आप इतना अच्छा सुन रहे हो कि वो भीड़ में भूल जा रहा हूँ, है ना। अब ये एक शेर आखिरी खुददारी का शेर सुन लीजिए। सुनो भाई ईशान, सुनो। कह दो जाकर जरा मछलियों से, चिप्स का पैकेट जब, कोई उम्मीद हमसे न रखना। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे न रखना। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे न रखना। हम समंदर के हैं शाहजादे,
जल परी से मोहब्बत करेंगे हम, समंदर के हैं शाहजादे। जल परी से मोहब्बत करेंगे फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे वो अगर बेवफा हो गई तो, दूसरी से मोहब्बत करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आखिरी